استنى وقت دي. زوي شيرشا راسك شينا نا وقت صلاة. يا مورا تاسو كليسي زدل تكار لرم. زوي ولي داسك رازك شينا. يا مورا زخ بلد هبادة دا كفار باسما. بابا كا تاسو كليسي فما خمشا. बाबा आपको इलेक्शन वाला पंगा नहीं लेना चाहिए, ये सब लोग बहुत घबरा हैं। ये आगे कुछ नहीं करेंगे और ना कहीं जाएंगे, बस सीधे स्कूल जाएंगे, वहां जाके बच्चों को पढ़ाएंगे और किसी से कोई फालतू सियासत पे बात नहीं करेंगे और ना ही इलेक्शन के ऑफिस जाएंगे, सीधा घर आएंगे।
बाबा, आपको किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क इन बुजुर्गों की वजह से हुआ है, जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो इनके लिए कुछ करें। जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे कैसे बदलाव आएगा, चीजें कैसे ठीक होंगी? अब दोनों मिलकर क्या कर लोगे, बोलो क्या कर लोगे? ये जो दो वक्त की रोटी मिल रही है ना, इससे भी जाओ। माँ, आपको कुछ नहीं पता, आप रहने दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या लगता साईं चुपचाप बैठा रहेगा? उसके गुंडे मुस्टंडे हैं और पुलिस उसकी जेब में, और ना हमारे पास पैसे हैं इलेक्शन के। मेरा रिक्शे वाला होगा, मैं जाती हूँ। साईं मैं जाऊं? कुछ उठाया तो नहीं है यहाँ से? नहीं साईं। उठाएगी भी तो कहाँ जाएगी? हाँ, जीत के जाए बाबा, मछली खाएंगे, रंग पिएंगे, बच्चे बनाएंगे, जीतेगा भाई जीतेगा। इलाके में बड़ी बेइज्जती हो रही है साईं, एक स्कूल मास्टर आपके खिलाफ खड़ा है। साईं, हमको उसको बहुत पहले मार देना चाहिए था। उसको नहीं मारना, नहीं मारना उसको, उसको मारेगा तो उसके दर्द का ढोल कौन पीटेगा? सिर्फ ताकत नहीं दिखानी होती, उसका ढोल भी पीटना होता है। इधर आ। बात सुन, इधर आ। ये झंडा तूने बनाया? साईं, आपने कहा था झंडा बना दो, मैंने झंडा बना दिया। साईं, मुझे साईं मर्द की शान होती है। साईं 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 कटवा देते हैं झंडे पर, फिर मर्द का क्या बनाना है? एक बात कहूं मास्टर, ये औरत से कमाई कराना अच्छी बात नहीं। मेरी बेटी वकील है, और आज तक दुनिया के किसी मुल्क जिसकी आधी आबादी घर पे बैठी हो नहीं। बाबा, ये तो पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं ना, यहाँ के लोग तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, छोटे से आके औरत घर से बाहर निकले जमाना खराब है। तुम्हारी बहन नहीं आई अभी तक? अभी तक नहीं आई? नहीं। बाबा कहाँ? बाबा उसे देखने गए, उसने आज तक कभी इतनी देर नहीं की, अल्लाह खैर करे। अच्छा, आप तो परेशान ना हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बैठा जा रहा मेरा दिल। बाबा, अच्छा क्या हुआ? कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है? बोलते क्यों नहीं?
वो वहाँ नहीं है, नहीं है? हाँ मैंने साथ वाले वकील से पूछा तो उसने कहा कि वो अपने वक्त से घर चली गई। आपने रिक्शे वाले से पूछा? हाँ मैंने पूछा रिक्शे वाले से, वो कहते काफी देर तक वहाँ खड़ा इंतजार करता लेकिन आयशा आई नहीं। साई के गुंडे मेरी बच्ची को उठा कर लेके चले गए। अल्लाह मेरी मासूम बच्ची, अरे साई को मेरी बच्ची मिली थी। आप हटे, उससे मैं खुद पूछूंगा। थाने चलते, छोड़ो। थाने जाने से क्या होगा, वो ऐसे जो भी साई की जेब में है। रक्षे वाला जो भी कहे फिर भी जाएंगे थाने ही ना। अरे थाने जाने से कितनी बेइज्जती होगी ये नहीं जानते तुम। हो सकता मेरी बच्ची भी आ जाए। चलो बैठो, हम थाने जा रहे हैं। तो सीधी बात करें ना मास्टर साहब, वकील साहबा जवान है, माशाल्लाह खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी है, अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई है, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था किसी से। तुझे सब पता है कि क्या हो रहा है, और सुबह रजब आया था हमारे घर। मुसा खान। जी सर। तो रजब से चक्कर था उसका। बकवास बंद कर। बच्चे बात करने की तमीज नहीं है तुझे, मैं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो किसी के साथ भाग गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आ गए हो बगैर वजह के इज्जतदार लोगों पर इल्जाम लगाने। मैं तो मामले की तह तक पहुंच गया हूँ। तेरी बहन का किसी के साथ चक्कर था और तूने उसे मार दिया है, और अब मैं तफ्तीश करूंगा। ऐसे साहब आप रहने दे, हम खुद ही तलाश कर लेंगे। ऐसे कैसे छोड़े मास्टर साहब हैं? एक लड़की गायब हुई है, पता नहीं तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। मैं तो अपना फर्ज पूरा करूंगा। देखो बेटा मैं खुद जाकर साई से बात करता हूँ। चल बेटा। तुम्हें जिससे बात करनी है तुम करो, ये यही रहेगा जब तक मामला हल नहीं हो जाता। ऐसा साहब ये मेरा बेटा है, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। बस मास्टर साहब सरकारी काम में मदाखलत नहीं। मुसा खान लेके जाओ उसे। मास्टर साहब अब आप भी जाओ। क्या हाल है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? साइके कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत, तू जैसे कुत्तों की वजह से कि वटेरे दंदनाते फिरते हैं। जुबान संभाल कर बात कर, तेरी तो जो हालत होने वाली है ना, पांव पकड़ेगी तू मेरे, भीख मांगेगी तू मुझसे। कमीने छोड़ दे मुझे, तुझे ख्याल नहीं आता कि तेरी बेटियों के साथ भी यही करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको दूसरों की बेटियां देता रहूंगा। अब तू साई को ठंडा कर, बाद में देखते रहो कड़ कैसे ठंडी करता हूं मैं। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाक किस दिया, ओ वला। बहुत खूबसूरत है, लोग तेरी तारीफ ऐसे ही नहीं करते। और गर्म भी बहुत है, मेरा बड़ा दिल करता है लोग मुझे बोले माय लॉर्ड माय लॉर्ड। बोल रहा जिस तरह तू अदालत में बोल।